हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप HDFC बैंक के डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, जब कभी भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जाते होंगे तो आपको एरर आता होगा कि सबसे पहले आप अपने डेबिट कार्ड को एक्टिव करें, तो उसको कैसे एक्टिव करना है, उसकी लिमिट को कैसे सेट करना है, आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो अपने डेबिट कार्ड को एक्टिव करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है, और गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है HDFC नेट बैंकिंग। ओके, HDFC नेट बैंकिंग जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का आपको टेम्पलेट शो होगा, जहां पर आपको नेट बैंकिंग HDFC बैंक लिखा होगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड टेम्पलेट ओपन होगा, जहां पर आपको लिखा होगा HDFC बैंक और कंटिन्यू टू दी नेट बैंकिंग लॉगिन पेज, वहां पे आपका प्रोसीड नाउ लिखा होगा। ओके, तो प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर आईडी डालने के लिए आपको बॉक्स मिलेगा, आप वहाँ पे कस्टमर आईडी फिल करेंगे। ओके, आप अपनी कस्टमर आईडी फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप कस्टमर आईडी फिल कर लेंगे तो आपको कंटिन्यू पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे। ओके, कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने का आपको बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड डालना है। ओके, पासवर्ड फिल करेंगे आप यहाँ पे अपना। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो आपकी, यानी कि कह सकते हैं बैंक डिटेल, नेट बैंकिंग जो है वो लॉगिन हो जाएगी, और आपको इस प्रकार का टेम्पलेट शो होगा। ओके, ऊपर आप टास्क बार में देखेंगे कि आपका अकाउंट्स होगा, फिर फंड ट्रांसफ़र होगा, बिल पे रिचार्ज होगा, और कार्ड होगा, डीमैट होगा, म्यूचुअल फंड होगा, तो आपको क्या करना है, कार्ड्स पे क्लिक करना है। आपको कार्ड्स पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो अपने लेफ्ट में देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स लिखा होगा और डेबिट कार्ड्स लिखा होगा और प्रीपेड कार्ड्स लिखा होगा। ओके, तो आपको करना है कि डेबिट कार्ड्स पे देखेंगे आप, डेबिट कार्ड्स के नीचे तो आपको ट्रांजेक्ट लिखा होगा, इंक्वायर लिखा होगा और रिक्वेस्ट लिखा होगा। ओके, तो आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उसके नीचे ऑप्शन देखेंगे कि डेबिट कार्ड होस्टलिंग, इंस्टेंट पिन जनरेशन और सेट कार्ड कंट्रोल्स और यूजेज लिमिट। ओके, तो आपको सेट कार्ड कंट्रोल्स एंड यूजेज लिमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फोर कार्ड नंबर में सेलेक्ट कार्ड पे आपको एक एरो जैसा बना होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स आएगी, उस पर आपको बॉक्स पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का टेम्पलेट शो होगा, जहाँ पर आपको डेबिट का डेली डोमेस्टिक लिमिट्स और डेली इंटरनेशनल जो लिमिट है वो आपके यहाँ पे शो हो रही होंगी। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको लिखा है प्लीज़ इंटर योर डेली डेबिट कार्ड लिमिट्स, तो आपको डेली डोमेस्टिक यूजेज लिमिट्स है और डेली इंटरनेशनल यूजेज लिमिट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको करना है कि पहले डोमेस्टिक वाले पे क्लिक करना है। डोमेस्टिक वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए, आप अगर पहली बार कर रहे होंगे, अगर आपको ऑन करना है तो पहले आपका ऑफ होगा, तो आपको ऑन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यू ATM यूजेज लिमिट आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए ATM लिमिट 40,000। ठीक है, जितना आपको रखना है उतना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मर्चेंट आउटलेट यूजेज है, ऑनलाइन यूजेज आ है, यहाँ पे 1,00,000। ठीक है, हम यहाँ पे बढ़ा देंगे इसको। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 2,00,000। ठीक है, 2,00,000 हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्टलेस यूजेज ऑन है, फिर करंट कॉन्टैक्टलेस यूज लिमिट है यहाँ पे 20,000। ठीक है, मैक्सिमम 20,000 ही है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको कंटिन्यू है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफ होगा, तो यहाँ पे ऑन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑन पे क्लिक करेंगे इंटरनेशनल के लिए, फिर आप ATM यूजेज लिमिट पे जाएंगे, तो ATM पे आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आप यहाँ पे मैक्सिमम 3,25,000 है, आपने यहाँ पे 25,000 कर दिया। ठीक है,
फिर आपको क्या करंट मर्चेंट आउटलेट, तो यहाँ पे भी आप आपका ना कर दीजिए 50,000, ठीक है। उसके बाद आप क्या करंट ऑनलाइन यूजेज लिमिट, करंट ऑनलाइन इमेज मिनिमम 1,000, ठीक है, तो यहाँ पे आप 50,000 कर दिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्टलेस यूजेज टैप एंड पे ऑन है, कॉन्टैक्टलेस करंट कॉन्टैक्टलेस यूजेज लिमिट 1,000 और न्यू कॉन्टैक्टलेस यूजेज लिमिट यहाँ पे आप 20,000 कर दीजिए, ठीक है। ये सब सेट करने के बाद आपको करना है कि कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक के लिए ATM डेली लिमिट 40,000, ऑनलाइन डेली लिमिट यहाँ पे सारी डिटेल आपकी शो होगी। ऑनलाइन डेली लिमिट इतनी है आपकी 2,00,000, मर्चेंट आउटलेट डेली लिमिट 3,00,000, कॉन्टैक्ट लिस्ट 20,000, आप इंटरनेशनल पे जाएंगे तो ATM की 25,000, ऑनलाइन 50,000, फिर यहाँ पे सारी डिटेल्स होगी, ओके। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्ड का नंबर शो होगा और वहाँ पे आपका कार्ड के नंबर की आपका जो आपका ATM पिन है वो आपका मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना ATM पिन यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना ATM पिन डाल दिया, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है, ठीक है। तो कार्ड की आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, तो आप अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल देंगे आप, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है MM, तो यहाँ पे आप कार्ड की एक्सपायरी डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो थैंक्स यहाँ पे हो जाएगा और आपका सबमिट हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से क्या करना है कि आपको अपने डेबिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, फिर आपको एक मैसेज आएगा, सक्सेसफुली यू हैव मॉडिफाइड कार्ड यूजेस सेटिंग्स फॉर HDFC बैंक, ओके। आपके जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको मैसेज आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपके जो है वो कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप एक्टिव कर सकते हैं, अपनी लिमिट को सेट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।